रहे कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का आगमन हुआ और खुशी का लहर दौड़ाया और कर्दम ऋषि अब अपने बेटियों का विवाह कर दिए ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ। अरुंधति महारानी का विवाह वशिष्ठ जी से हो गया। अनुसुईया महारानी का विवाह अत्रि मुनि से हो गया। मरीचि ख्याति देवी का विवाह मरीचि मुनि से हो गया। क्रतु क्रिया देवी का विवाह क्रतु ऋषि से हुआ। ऐसे अपने 9 बेटियों को विवाह करके ससुराल भेज दिए। बेटा का जन्म हो गया। अब सारा दायित्व गृहस्थ धर्म का पूरा हो गया। कर्दम ऋषि अब चौथे पद में चले गए पुनः जंगल कठोर तप करने के लिए। परंतु देवहूति माँ तो घर में ही रह गई, विमान पर अकेली रह गई। बेटा एक था, बेटियां चली गई, जो घर पूरा परिवार बेटी दमाद से भरा था पति से, आज कोई नहीं, अकेले रह गई। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है जाना तो अकेला। ये आदमी अकेला हो जाता है। आज भी देखिए कि घर में कितना बाल बच्चा रहता है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी अकेले खोखो डोडो करते, सब ऑफिसर बन गए, सब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में चले गए, बड़े बड़े पोस्ट पर चले गए। तो विचार करके देखिए, आदमी जब अकेले आता है तो जीते जी भी बाद में अकेले पड़ जाते हैं, पर जो अपने आप को भक्ति भजन से जोड़ करके रखते हैं उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को अपने जन्म जन्म के साथी, जन्म जन्म के प्यारे प्रियतम मित्र, सगे संबंधी जो ईश्वर परमात्मा है, उससे हम लोगों को सब दिन जुड़े रहना चाहिए, ताकि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो अकेलापन महसूस नहीं हो। देवती माँ एक दिन कर्दम ऋषि ध्यान कर रहे थे कपिल भगवान, तो बैठी रही। बड़ी देर के बाद जब समाधि खुली तो देवती माँ पूछती है, बेटा एक प्रश्न मैं आज से तुझसे पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, क्या सही बात है? कपिल भगवान कहते, माँ बात तो बिल्कुल सही है, पर तुम क्या जानना चाहती हो ये बताओ। देवहूति माँ कहती, आवाज दीजिए मास्टर, आवाज बढ़ाइए। देवहूति माँ कहती है कि बेटा मैं महामुनि, मैं मनु महाराज की बेटी हूँ, मेरी माँ महारानी शतरूपा है, मेरे दामाद भृगु वशिष्ठ अत्रि मुनि जैसे हैं, मेरी बेटियाँ अनुसुईया अरुंधति ख्याति जैसे ख्याति प्राप्त बेटियाँ हैं, मेरा पुत्र कपिल भगवान जैसा है, मैंने 14 भुवनों में इस मानक विमान से सैर किया जो मन के वेग से उड़ने वाला है, तो दुनिया में ऐसा स्थान नहीं, ऐसा सुख नहीं, ऐसा कोई आनंद नहीं जिसका उपभोग मैंने नहीं किया। परंतु बेटा फिर भी मेरे मन को तृप्ति क्यों नहीं हुई, मन ये शांत क्यों नहीं हो रहा है, मन बेचैन क्यों लग रहा है, अशांत क्यों लग रहा है, मन चंचल क्यों लग रहा है, ये मन को सुख और संतोष कैसे मिलता है? कपिल भगवान कहती, माँ सुन, आज तक तूने जितना कुछ भोग सामग्री जुटाया है ना, ये अपने आप में ही अधूरा है, तो तुम्हारा मन कैसे पूरा होगा? हम ईश्वर परमात्मा के अंश है, संसार के क्षणिक वस्तु से क्या क्यों पूरा होगा? जो 10-20-50 वयसत हो, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की जा जगेगी, आकाश पाताल हो, राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आत्मा तो अनंत परमात्मा के अंश है, जिसके अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का साम्राज्य छाया हुआ है, तो उनका अंश होकर के हम थोड़े से चीज में कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इसलिए हे माँ, जब तक ये जीव उस अनंत परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता, जब तक ये पूर्ण को नहीं प्राप्त करेगा, ये मन में पूर्णता का आभास इस मन को नहीं होगा। यही कारण है कि हम कितनों ले लेते हैं तो मन कहाँ भरता है। ऐसा कोई है कि कहते हैं कि 10 बीघा जमीन होगी, अब आगे जमीन नहीं खरीदना है, यदि थोड़ी सी सस्ती में जमीन मिल जाए तो तुरंत बिना बट्टा दे दे। ऐसा कोई है जो कहते हैं कि 2 मकान हो गया, तीसरा नहीं बनाना, पैसा होते जाता है, ईटा जोड़ते जाते हैं, ये सब बढ़ते क्यों जाता है? क्योंकि हम उसी आनंद के अंश हैं, उसी पूर्ण के अंश हैं। संसार का कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आपको पूर्णता प्रदान कर सके। इसलिए हे माँ,
तुम उसी पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करो, उसी की भक्ति करो, ये मन पूर्ण रूपेण शांत हो जाएगा। पूर्ण मदह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए संत लोग उस परमात्मा को पूर्ण कहते हैं, अनंत कहते हैं, उसका कोई अंत नहीं। दुनिया में हर चीज का अंत है पर ईश्वर का अंत थोड़े। इसीलिए उसी पूर्ण को प्राप्त करो। तो माता जी कहती, बेटा बता कि पूर्ण मिलेंगे कहाँ, कैसे मिलेंगे? कपिल भगवान कहते, हे माँ, ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तो आपको संतों के संग में ही मिलेगा। माँ की दुनिया में हर जगह मिलेगा, परंतु ये चीज आपको संतों के संग में मिलेगा। और जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया, हे माँ, यदि तू उनका संग करोगे तो तुझे भी प्राप्त होगा। जैसे किसी को बिजली का करंट लग जाए, अब बिजली पकड़ लिए, एकदम झूला झूल रहे, हो बाप हो बचाव हो, बोलते हैं ना, अब बचाने वाला जो दौड़ेगा रुक आवै छियो बचेबो, आ जब वो उसको पकड़ेगा तो वो कहेगा हो बाप हो मर लिया हो। तो उसके पहले उसी को करंट लगता है। क्यों? क्योंकि बिजली का वो कमाल है, जिसको करंट लगा है उसको पकड़िए आपको पहले करंट लगेगा। यही भक्ति का कमाल है कि गुरु गुड़ रह जाते, चेला चीनी हो जाते। मतलब क्या कि कथा सुनाने वाले को जितना प्रेम है, यदि सुनने लगे तो सुनने वाले को उससे भी कई गुना ज्यादा प्रेम हो जाता है। और यही कारण है कि मैं यहाँ एक बार कथा करने आया, ये चौथी कथा है। कहना बड़ा आसान है कि कथा कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन युवा साथी को आप लोग आशीर्वाद दीजिए और देना भी चाहिए कि भगवान की कैसी कृपा हुई, इसके अंदर कैसी प्रेरणा जगी। एक बार कौन की, एक बार जब कोई कथा कराते हैं तो 10 साल तक दम नहीं ले पाते हैं, इतना खर्चा वर्चा होता है। पंडित जी के जब 1.5 मीटर का वो लिस्ट खर्चा वाला जब देखते हैं तो दम सूख जाता है, जजमान का खून पाच लेते हैं वो। लेकिन यहाँ पर एक बार की कौन के, दो दो बार विशाल ज्ञान यज्ञ, विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ हो रहा है। ये अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अद्भुत है ये संतों का संग, ये जीव को मुक्ति के कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए माँ तुम ऐसे संतों का संग करो, ये संग का आकर्षण होता है। एक बार मैं यहाँ कथा किया इस जगह पे, तो 2 बार हुआ, इसके पहले भी एक कथा हुई प्राइवेट रूप से, जो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं उसी के यहाँ हुआ, शोभिनंदन यादव जी के यहाँ, बड़ा दरवाजा है वहाँ कथा हुई। वहाँ पर 55 आदमी दीक्षित हुए। अब कहिए ध्यान भजन तो करते ही होंगे, वैष्णव तो हो ही गए। तो ये आकर्षण है, ये कथा जब सुनाया जाता है तो सुनने वाले में बहुत ऐसे हैं जो सुधर जाते हैं, सही मार्ग पर आ जाते हैं। इसके पहले मिर्दौल में भी कार्यक्रम हुआ, वहां भी 60-70 आदमी भजन भेदी होकर के, वैष्णव होकर के, दीक्षा शिक्षा लिए भजन ध्यान कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज जब धराधाम पर आए तो समय संत मत का ज्ञान नहीं के बराबर था, और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसा अद्भुत ज्ञान संतों का, शास्त्र पुराण का प्रकट किए कि आज लाखों लाख में सत्संगी जय जयकार हो रही है और वैष्णव होकर के भक्ति के मार्ग पर चल करके अपना कल्याण बना रहे हैं। ये होता है जब हम संतों का संग, कथा का संग करते हैं, हमारे ऊपर भी वो रंग लगता है और हम बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं। कपिल भगवान कहते, माँ तो इसी तरह संतों का संग कर और तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और यहाँ पर देवोती माँ को संतों के लक्षण बताने लगे। तितिक्षमा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। संतों के लक्षण बड़े सुंदर तरीके से बताया और देवोती माँ को अद्भुत राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग आदि का उपदेश दिए। और देवोती माँ ऐसा ज्ञान के, ऐसी ज्ञान की धारा बही कि उसी में वह सराबोर हो गई, नदी बनकर परिणत हो गई। कपिल भगवान अपने मैया को कल्याण करके, सम समाधि लगा करके गंगा के तट पर
ध्यान लगा करके गंगा सागर में अंतर ध्यान हुए। ना समझी उम्र गुजरी उस बीते वक्त को समझाते, अरे गल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। इसलिए हम लोगों को भी समझना चाहिए, यही इसी से हमारा कल्याण होगा, यहीं से मुक्ति का मार्ग कदाचित यहीं से मिलता है। इसलिए भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, अपने परिवार को जोड़े, बाल बच्चों को जोड़े, उसे ला करके उसे प्रणाम करवाएं भगवान पर, उसके द्वारा 10, 5, 2, 4 रुपये दक्षिणा दिलाएं। इससे ठीक है कि आपको लगता है कि 10 रुपया चला गया, लेकिन वो बच्चा जिसके हाथ से आप दक्षिणा दिलाइएगा, वो जीवन भर उसे ये संस्कार मिलेगा कि धर्म कर्म में दान देना चाहिए। वो बच्चा कभी चोरी नहीं करेगा। जिन बच्चा को आप दान देने का संस्कार सिखाइएगा वो दानी बनेगा, और उस दानी के कारण वो राजा बनेगा। पर जिस बच्चे को आप दान देने का संस्कार नहीं दीजिएगा तो नहीं देने के कारण वही बाद में उठाने लगते। एक जगह मंदिर था, दान पेटी पड़ा हुआ था, वहाँ के लोग बोले कि बाबा यहाँ जो बचवा सब है ना, सब दान पेटी का माल निकाल के भाग जाता है। मैं बोला दान पेटी का माल ले जाता तो आप क्या समझते बच्चा चोर है? नहीं, आप लोग कंजूस है इसीलिए बच्चा चोर है। कैसे? मैं बोला आज के दिन से सारे बच्चे को सुबह सुबह 1-1 रुपया दीजिए और बोलिए जाकर के भोला बाबा के दान पेटी में गिरा दो। अब जो बच्चा रोज रुपया गिराएगा उठाएगा क्या? उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं, यहाँ देने का जगह है, लेने का जगह नहीं है। आ नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ होता है। एक जगह कथा हो रही थी, एगो जजमान बोला बाबा महाराज लाइए हम बढ़िया से आरती दिखा देंगे। पितरिया थारी, पितरिया दिया बत्ती अगरबत्ती था, वो बढ़िया से ऊपर परात थाली का लिया, आरती उतारते 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 भीड़ भाड़ में कोना तक गया और जाते जाते गिले रह गए उधर। खूब सहित कबूतराए नमः। इसीलिए धर्म कर्म में देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो जो धर्म कर्म के धन को निजी उपयोग में लाता है उसका बाल बच्चा को संस्कारी